हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा भाटी। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ फ्लावर पॉट। फ्लावर पॉट हम किस तरीके से बनाते हैं वो मैं आपको बिल्कुल न्यू डिज़ाइन में दिखाऊंगी आज, जिसके लिए मैंने दो कलर के वायर लिए हैं। और जो वायर लिए हैं मैंने, टोटल मैंने 12 वायर लिए हैं, देख सकते हैं आप। मैंने इसके 12 वायर हैं और ये जो वायर हैं ये 2.5 मीटर का एक वायर कट किया है। टोटल मैंने 12 वायर 2.5 मीटर के कट किए हैं, 2.5 मीटर का। और जिसके लिए मैंने कलरफुल्स बीड्स लिए हैं, आप देख सकते हैं ये कलरफुल्स बीड्स हैं। और ये डिजाइनर लिए हैं मैंने, और इसमें 3 रिंग लगती हैं एक एक नंबर की। ये मैंने 2 रिंग, ये है पॉट के लिए, और 1 रिंग मैंने इसमें वायर डाल दिए हैं। अब शुरुआत करते हैं हम इस डिज़ाइन को किस तरीके से बनाएंगे। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इसमें पूरे वायर डाल के कंप्लीट कर लिए हैं। और मैंने एक जो बीच सेंटर पे इसका, जैसे मैंने टोटल 6 वायर लिए थे एक कलर के, और 3-3 वायर मैंने इधर डाले हैं, तो टोटल ये 12 वायर हैं। और एक वायर में जो बीच सेंटर है इसमें मैंने एक मोती डाल के एक नोट्स लगा लिया है। अब करना क्या है, इस वायर को हम पकड़ेंगे, इसमें हम पाइपिंग देंगे। अब ये देखिए, इस तरीके से पाइपिंग देनी है, और फिर डिजाइन पाइपिंग में इसमें डबल दूंगी। ये देखिए, इस वायर को पकड़ के रखना है और इसी में से इस वायर को 2 बार निकाल देंगे हम, और पाइपिंग को फिनिशिंग के साथ बनाना है इसे। आप चाहें तो इसमें वायर की मात्रा बढ़ा भी सकते हो, लेकिन मैंने जैसे 12 वायर लिए हैं तो आप 16 या 18 भी ले सकते हो, लेकिन रिंग थोड़ी बड़ी लेनी पड़ेगी आपको। मैंने 1 नंबर की रिंग ली है, तो आप 2 नंबर की, क्योंकि इसमें पूरा भर जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए, अब इसमें पाइपिंग में भी 2 कलर आ चुके हैं इधर। आप चाहे तो इसे 1 कलर से भी बना सकते हो। ये देखिए, मैंने सिंगल पाइपिंग इधर लगा दी है, मैं डबल करूँगी इसे, तो इधर से भी हम इसे, और अब डबल के लिए हमें थोड़ा टाइट करना पड़ेगा इस पाइपिंग को, ताकि ये दोनों बिल्कुल अच्छे से सेट आ जाएं। और ये जो फ्लावर पॉट, अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने दोनों तरफ पाइपिंग लगा के और तैयार कर ली है। और इसमें करना क्या है, ये डिज़ाइन मैंने आपको पहले भी बता रखा है एक वीडियो में, तो इसमें सबसे पहले मैंने 1 नोट्स लगाया, फिर 2 नोट्स लगाए, और फिर से 1 नोट्स लगाया, तो ये डिज़ाइन बन के आ जाता है। और फिर मैंने इसमें पाइपिंग दी है इधर से, और ये देखिए, आप इसमें चाहें तो अंदर भी डबल पाइपिंग दे सकते हो, लेकिन मैं इसमें सिंगल ही पाइपिंग दूंगी। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए अब कितनी सुंदर आई है ये बन के इधर से। अब इसमें हम 1 नोट्स इधर लगाएंगे, ये देखिए 1 नोट्स फिर हम इधर लगाएंगे। अभी देखिए, मैंने इधर भी 1 नोट्स लगा दिया है, फिर 2 नोट्स, और इधर से भी मैंने 1 वायर मैंने इस कलर का इधर ले लिया था पाइपिंग में, और 1 वायर मैं इधर ले लूंगी इसमें। ये देखिए इधर से, और अब जो ये वाला वायर है, आप चाहे तो इधर मोती भी डाल सकते हो, मैं इसमें एक मोती डालूंगी ब्लू कलर का ही। ये देखिए, मोती डालने के बाद में हम फिर से इधर पाइपिंग देंगे।
और कलर भी आप देख सकते हैं, जैसे जैसे कि मैंने फर्स्ट में कलर डाले थे ऐसे ही आने चाहिए। जैसे ये नहीं है, ये इधर आ जाए, क्योंकि बिल्कुल सेम ऐसे ही आने चाहिए शुरुआत से ही। ये देखिए इधर तक मैंने इसको बना दिया है। अब इस वायर को हम इधर से लेंगे और इधर सबसे पहले नॉट्स लगाएंगे। फर्स्ट में एक नॉट्स लगा दूंगी मैं। इसमें बस जो ये डिजाइन है ये ही बनेगा इसमें, इसके बाद में हम इसमें डायरेक्ट पॉट बनाएंगे, आगे डिजाइन को नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं इसको डिजाइन को इसी को पूरा करके फिर उसके बाद में इसमें रिंग डालनी दिखाऊंगी आपको। ये देखिए ये डिजाइन इधर भी बन चुका है। अब इस वायर को लेंगे हम और इधर से फिर से पाइपिंग देंगे इधर। ये देखिए इधर से अब फिर से हम एक वायर लेंगे इधर, और लेने के बाद में इधर से फिर से हम इस पाइपिंग देंगे। और इसको थोड़ा टाइट खींचना है ताकि ये जो डिजाइन है इसमें बिल्कुल फिनिशिंग दिखनी चाहिए। ये देखिए अब ये डिजाइन इतना बन के कम्प्लीट हो चुका है। अब इसमें करना कुछ नहीं है, बस ये जो बीच वाले वायर हैं ये देखिए ये वाले, इसमें हम एक नॉट्स लगा देंगे इधर भी, क्योंकि हर किसी में चार चार नॉट्स ही आ रहे हैं और उसके बाद इसमें पाइपिंग आ रही है। और एक नॉट्स हम इधर लगाएंगे। ये देखिए फर्स्ट में वन नॉट्स है, फिर टू नॉट्स है, और फिर से वन, ये वाला इधर से। अब एक मोती हम इधर डालेंगे और एक इधर डालेंगे, फिर से हम इसमें पाइपिंग दे देंगे इस साइड से, तो ये डिज़ाइन बन के कम्प्लीट हो जाएगा। और फिर जो ये वाली पाइपिंग है इनको हम इधर तक कम्प्लीट कर लेंगे, इसको बना के मैं तैयार कर लूँगी। अब ये देखिए फ्रेंड्स मैंने पूरा बना के इसे कम्प्लीट कर लिया है, देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ ये डिजाइन आ रहा है बन के। अब हमें करना क्या है, इसमें हम रिंग डालेंगे। ये देखिए ये मैंने रिंग ली है, एक नंबर की रिंग है ये भी। अब इसे हम इधर से शुरुआत करेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और इसे डबल करना है इसको भी, क्योंकि तभी ये टाइट आएगी अच्छे से। देख सकते हैं आप इस तरीके से इसको पकड़ के रखना है। देखिए इधर से ये देखिए रिंग को बिल्कुल इस तरीके से डालना है वायर को, ताकि ये रिंग अच्छे से सेट हो जाए पॉट के लिए। और इसको हम इसी तरीके से पूरी रिंग को कवर कर लेंगे, पूरी को अटैच कर लेंगे वायर को।
ये देखिए, अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इसमें पूरे में वायर को रिंग में कवर कर लिया है और मैंने अलग से इसमें 6 वायर डाले हैं। जैसे कि मैंने 1-1 मीटर के वायर कट करके और मैंने 6 वायर डाले हैं इसमें। और इसमें हम एक लाइन मोतियों की दूंगी मैं, इसमें जो ये मटका सेप बीट्स लिए हैं मैंने, ये वाले एक लाइन दूंगी फर्स्ट में, और उसके बाद में हम इसको सिंपल बनाएंगे। आप चाहें तो इसमें पूरी पॉट में भी मोती डाल सकते हो। ये देखिए, मोती डालने के बाद में फिर नॉट्स लगाना है इसमें। देखिए इधर भी, और इस पॉट को टाइट बनाना है, जैसे कि नॉट्स इसमें टाइट लगाना है ताकि ये अच्छे से सेट रहे। ये देखिए, आप देख सकते हैं इस डिजाइन को। और इसमें आप बड़ा मोती भी डाल सकते हो, जैसे मैंने आपको फर्स्ट में दिखाया था कलरफुल्स, वो भी डाल सकते हो, लेकिन मैं इसमें छोटा बीट डाल रही हूँ। और इधर फिर से हम एक नॉट्स लगाएंगे। अभी देखिए, इधर तक मैंने इसमें 5 मोती तक डाल के तैयार कर लिए हैं, और अब मैं पूरे डाल के इसे तैयार कर लूंगी। अभी देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको बना के कंप्लीट कर लिया है। मैंने इसमें एक लाइन मोतियों की दी है, उसके बाद मैंने इसमें सिंपल नॉट्स लगाए हैं। आप देख सकते हैं मैंने सिंपल ही नॉट्स लगाए इसमें। अब इसमें करना क्या है, ये देखिए, अब मैं रिंग लूंगी, एक दूसरी वाली रिंग लूंगी इस रिंग को, और इस रिंग को हम इस तरीके से ऐसे पूरे वायर के अंदर डाल लेंगे, और फिर इसमें एक एक करके इस रिंग को हम इसमें अटैच करेंगे। इसमें आप चाहें तो इस पॉट को ज़्यादा बढ़ा सकते हो, लेकिन मैंने इसको ज़्यादा नहीं बढ़ाया है क्योंकि इतना ही सुंदर लग रहा है। आप इसमें मोबाइल वगैरह भी रख सकते हो, और सीजर वगैरह आपका जो भी छोटा मोटा आइटम है वो भी रख सकते हो, और इसमें फ्लावर भी रख सकते हो। फ्लावर के लिए तो है ही ये, लेकिन अगर आपको जल्दी बनाना है जैसे मोबाइल वगैरह रखने का वो भी, तो आप चाहे तो पॉकेट वाला भी बना सकते हो। ये इजी है, इसको भी बना सकते हो। ये देखिए, अब एक एक वायर लेंगे हम, और उसको हम इस तरीके से, और इन वायरों में हम बाद में वायर अटैच कर लेंगे, मतलब कि चिपका लेंगे लाइटर से, क्योंकि इसमें हम वेल्स लगाएंगे नीचे। देखिए, एक एक वायर को इस रिंग के साथ अटैच करना है अभी। और रिंग इधर भी मैंने 1 नंबर की ली है, फर्स्ट में भी 1 नंबर की और इधर भी 1 नंबर की रिंग। ये देखिए इधर, ये देखिए, एक एक वायर को इसी तरीके से पूरी रिंग के अंदर कवर करना है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग आ रही है इसमें, और ये बहुत ही सुंदर लगता है पॉट। इसमें मैं आपको फ्लावर भी रख के दिखाऊंगी, और फोन मोबाइल वगैरह छोटा मोटा आइटम सारा कुछ रख के दिखाऊंगी। आप इसमें कोई भी आइटम रख सकते हो। आप चाहें तो इस पॉट को, जैसे आपका ज़्यादा बड़ा मोबाइल है तो आप इस पॉट को बढ़ा सकते हो, और रिंग उसकी 2 नंबर की ले सकते हो। जैसे मैंने 1 नंबर की रिंग ली है, तो मैंने तो फ्लावर के लिए बनाए इसे, तो आप फ़ोन वगैरह के लिए बना सकते, बना रहे हो मोबाइल वगैरह के लिए, तो इसमें 2 नंबर की रिंग लें।
ये देखिए इस तरीके से। अब एक एक वायर को इसी तरीके से अटैच करके रेडी कर लूंगी। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये फ्लावर पॉट बन के तैयार हो चुका है। आप जैसे कि आप देखा, आप इसमें देखिए इस पॉट में आप अच्छे से फ्लावर रख सकते हैं। और ये ऊपर से भी डिजाइन कितना सुंदर आ रहा है बन के। इधर मैंने वेल्स लगा दिए हैं पिंक कलर के कट करके, और आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। आप चाहें तो इसमें इस तरीके से देखिए सीजर वगैरह भी रख सकते हैं, और इसमें आप फोन वगैरह भी रख सकते हैं और फ्लावर भी रख सकते हैं। जो भी आपका दिल करे आप इसमें रख सकते हैं। अगर आपका फ़ोन बड़ा है तो आप 2 नंबर की रिंग लें। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साइड में जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।